डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। दिस पीपल मीन्स अर्लीस्ट हुमैन। अर्लीस्ट हुमैन के बारे में हम कैसे जानते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस लाइक फॉसल, रॉक शेल्टर्स, पेंटिंग्स एंड स्टोन टूल्स, ये सब हमें बताते हैं कि अर्लीस्ट पीपल का लाइफ कैसा था। कल हम लोगों ने फॉसल्स, रॉक शेल्टर्स, पेंटिंग्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हमें पढ़ने हैं स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द वेरियस रिक्वायरमेंट्स दैट द पीपल नीडेड टू परफॉर्म द इंफॉर्मेशन लाइक द साइज एंड टाइप ऑफ स्टोन यूज इट इज अर्लीस्ट पीपल। हमें यह जानकारी दे गए, यह इंफॉर्मेशन दे गए किसी भी टूल्स का साइज टाइप और किस टाइप के स्टोन्स का यूज करेंगे हेल्प्स हिस्टोरियंस टू डेवलप एन आइडिया अबाउट द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन। हिस्टोरियंस हमें हेल्प करते हैं कि अर्ली मैन लाइफ के बारे में जानकारी देते हैं एंड किस तरह से ये डेवलप होता है आइडिया उसके बारे में। अ नंबर ऑफ फ्लेक टूल्स एंड हैंड एक्सेस आल्सो हैव बीन एक्सकेवेटेड एट वेरियस साइट्स। बहुत सारे फ्लेक टूल्स, हैंड एक्सेस खुदाई के दौरान अलग अलग साइट से प्राप्त किए गए हैं। The modern historians are adopting another technique to understand the life of the early man. Modern historians एक another technique अपनाकर early man के life के बारे में समझाया है। They compare the modes of livelihood, technology, rulers, rituals, political institutions and social customs of the present day hunter gatherer society with the earliest society to visualize the life of the earliest people। उन्होंने आजकल present day और hunter gatherer society दोनों को compare करके बताया है कि उस समय और आज समय का livelihood, technology, rituals, political institution and social custom कैसा था। उन्होंने इसके साथ साथ earliest society को भी दिखाया है कि अर्लीस्ट पीपल का लाइफ कैसा होता था। फॉर द अर्ली मैन, अर्ली मैन के लिए द मेन क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अ साइट्स, कोई भी साइट्स चूज करने का मेन क्राइटेरिया होता था वर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर शेल्टर एंड स्टोन्स टू मेक टूल्स। वाटर शेल्टर स्टोन्स जिससे टूल्स बना सके ऐसे जगह को वे लोग चुनते थे अपने रहने के लिए। सो नेचुरली दे लुक्ड फॉर अ प्लेस ऑन द स्लोप ऑफ हिल्स वेयर दे कुड लिव इन द केव्स एंड स्टिल हैव सम नियर बाय हिली स्ट्रीम ऑफ वाटर एंड पीबल्स इन प्लेंटी। इसलिए वे लोग हिल्स के स्लोप का चुनाव करते थे रहने के लिए जहाँ पे उन्हें केव्स मिल जाते थे और बगल में हिली स्ट्रीम भी मिल जाता था, मीन्स हिल से झरने वाले झरना, जिससे उन्हें बहुत सारा वाटर एंड पीबल्स प्राप्त होता था। सच साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। इस तरह के साइट्स को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहा जाता है, मतलब वे लोग बस्ती के साथ साथ एक छोटे से कारखाना भी अपने घर में बनाकर रखते थे। रिगार्डिंग द नेचर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द अर्लीस्ट सोसाइटी द हिस्टोरियंस आर नॉट वेरी क्लियर। हिस्टोरियंस लोग क्लियर नहीं हैं कि अर्लीस्ट सोसाइटी के अर्लीस्ट सोसाइटी में लेबर्स का क्या रोल था।
Which activity were generally performed by men and which were performed by women cannot be said with conviction. कौन सा एक्टिविटी मेन करते थे, किस टाइप का एक्टिविटी वोमेन करती थी, ये सब कन्विक्शन में है, क्लियर नहीं है. इट इज़ जनरली हेल्ड बाय द स्कॉलर्स डैट मोस्टली बोथ मेन एंड वोमेन वर डूइंग वेरियस एक्टिविटी टुगेदर. सामान्य रूप से ऐसा विद्वानों के द्वारा होता था जिसमें मेन एंड वोमेन दोनों कोई साथ मिलकर काम करते थे. बट देयर माइट हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन वेरियस ग्रुप्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. लेकिन अलग अलग ग्रुप में भी वे लोग प्रैक्टिस करते रहते थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट्स, और सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में भी वे लोग रहते थे. फाइंडिंग आउट अबाउट फायर अगला पॉइंट हम लोगों का है. फायर के बारे में जानकारी. ट्रेसेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड एट द साइट ऑफ कुरनूल इन आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बहुत सारे साइट्स मिले हैं जहाँ पे राख के निशान पाए गए हैं. आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स इन बुर्जहोम इन कश्मीर. आर्कियोलॉजिस्ट कुकिंग हट्स मीन्स खाना बनाने वाला चूल्हा भी उन्होंने प्राप्त किया है इनसाइड और आउटसाइड हट्स के झोपड़ी के कश्मीर में. अर्लीस्ट पीपल डिस्कवर्ड फायर एट द एंड ऑफ द पैलियोलिथिक एज एंड इट वाज वेरी यूजफुल फॉर देम. अर्लीस्ट पीपल ने पैलियोलिथिक एज के लास्ट तक अंत तक आग का खोज कर लिया था, आग के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी जो उन्हें बहुत सारा हेल्प किया. अर्लीस्ट पीपल प्रोबेबली न्यू हाउ टू यूज फायर बिफोर दे न्यू हाउ टू स्टार्ट इट. अर्लीस्ट पीपल शायद वो जान गए थे कि कैसे आग को जलाया जाएगा, इसको कैसे यूज किया जाएगा, कैसे स्टार्ट किया जाएगा पहले ही. फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग माइट स्ट्राइक अ रॉटेन ट्री एंड द ट्रंक वुड कैच फायर. वे लोग जान गए थे कि आग किसमें सूखे हुए लकड़ी के ट्रंक में आग पकड़ेगा. फ्रॉम दिस इससे दे वुड लाइट अ फायर एंड कीप इट गोइंग फॉर ईयर. इससे वे लोग आग जला के बहुत दिनों तक रख सकते थे. मोस्ट प्रोबेबली व्हाइल ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ द हिली एंड बसी ट्रेन टू द सेफ्टी ऑफ अ शेल्टर इन द डार्क द फर्स्ट मैन मस्ट हैव नोटिस्ड स्पार्क्स व्हेन वन स्टोन स्ट्रक अनदर. वे लोग शायद ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते थे हिली एरिया में और बसी ट्रेन में टू सेफ्टी ऑफ द शेल्टर इन डार्क, अपने आप को रखने का जहाँ पे डार्क शेल्टर हो. द फर्स्ट मैन मस्ट हैव नोटिस्ड स्पार्क्स, और जहाँ पे फर्स्ट मैन नोटिस किया कि स्पार्क करता है. व्हेन वन स्टोन स्ट्रक अनदर, जब एक स्टोन को दूसरे स्टोन पे टकराएंगे. बट इट मे हैव टेकन मैनी जनरेशंस बिफोर एनी वन ऑफ दीज अर्ली मैन
had the idea of striking two stones together to produce a fire, लेकिन इससे बहुत सारे जनरेशन को लाभ पहुंचा, जिससे अर्ली मैन यह बता गए, इस आइडिया को बता गए कि दो स्टोन्स को स्ट्राइक करने से आग प्रोड्यूस होता है, फायर प्रोड्यूस होता है। द फायर वॉज वेरी यूजफुल टू अर्लीस्ट पीपल, फायर अर्लीस्ट पीपल के लिए बहुत उपयोगी था। इट कुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर एंड एज वेल एज फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, उन वे लोग बहुत कोल्ड विंटर एंड वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए इसका यूज करते थे। दे कुड ऑल्सो रोस्ट द मीट इन द फायर एंड मेक देयर फूड टेस्टियर, वे लोग मीट को आग में पकाते थे और अपने भोजन को टेस्टियर बनाते थे, ज़्यादा टेस्टियर बनाते थे। थैंक यू।